हेलो एवरीवन क्या हाल चाल हेलो 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 एम आई लाइव हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी आ जाओ विल गेट स्टार्टेड हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग शुरू करें शुरू करें अच्छा दो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं अपडेट नंबर वन कि भैया पहला कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी ठीक है कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी इसका वीडियो आपका ट्वेंटी एट्थ को आ जाएगा ठीक है तो इसके लिए आप आई होप आप लोग रेडी हैं ठीक है कंप्लीट क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी इसका वीडियो टेंथ मार्च को आ जाएगा तो आपका सिलेबस यहां पे खत्म हो गया ठीक इसके बाद आपको हम कराने वाले हैं हंड्रेड कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चन ठीक है ये फंडा ऑफ द डे में होगा आपका हर दिन दो कॉन्सेप्ट और, और उसके उसके क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है बस इसके लिए जो कंप्लीट बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी और कंप्लीट क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी वाला जो है इसके लिए आपको बायोलॉजी हैंडबुक खरीदनी पड़ेगी बेटा है ना तुम समझो एक तरह से साढ़े पाँच सौ रुपये में तुम्हारा पूरा इलेवन ट्वेल्थ कंप्लीट हो रहा है तो बायोलॉजी हैंडबुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बायोलॉजी हैंडबुक खरीदनी पड़ेगी ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिलेगा आज ऑर्डर कर दीजिए ताकि ट्वेंटी से पहले आ जाए ठीक है शुरू करें शुरू करें शुरू करें ठीक है पीडीएफ सब कुछ आपको बेटा टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन पे आएगा ठीक है चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर वन आ जाओ फटाफट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैनॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैनॉट बी रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म कैनॉट बी कैनॉट बी कैनॉट बी तो कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर था कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर था कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर था? था बताना प्लीज कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर बच्चे डिफाइनिंग फीचर था मेटाबोलिज्म कॉन्सियसनेस और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन तो ये तीन जो था तुम्हारा वो डिफाइनिंग फीचर है ना तो आंसर हो गया टू क्वेश्चन नंबर टू साइंटिफिक नेम ऑफ मेकोई इज करेक्टली प्रिंटेड ठीक है तो अब देखो बेटा कौन सा है। जीनस कैपिटल फर्स्ट लेटर स्पीसीज स्मॉल लेटर तो अब ये गया ये गया ये गया आंसर क्या हो गया आंसर हो गया थ्री इसमें एक क्वेश्चन आया था मैंजीफेरा इंडिका लिन वाला भी तो वो भी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द फीचर्स दैट आर ट्रू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा ट्रू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा ट्रू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है? है? है हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता और माइको एंड पीपीएलओ लैक्स सेल वॉल तो इट इज नॉट ट्रू तो आंसर क्या हो गया चौथा ठीक है ठीक है सी कैसे होगा बेटा हुँ? चौथा द ऑर्गेनिज्म विच नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली बट कैन स्विच ओवर टू एन तो मतलब देखो दो तरह का ऑब्लीगेट मतलब क्या हुआ सिर्फ उसी मीडियम में कर पाएंगे फैकल्टिटी मतलब यूजुअली तो ठीक है नहीं तो बाद में हम दूसरे मीडियम में चेंज कर पाएंगे तो देखो ऑब्लिगेट एरोब क्या होगा ओनली एरोबिक मोड में जिंदा रह पाएगा ओनली एनेरबिक मोड में जिंदा रह पाएगा ठीक है फैकल्टेटिव एरोब तो नॉर्मल कैसा है इसका नॉर्मल ये एनेरब है बट एरोबिक में सरवाइव कर सकता है नॉर्मल यह क्या है एनेरोब है बट कैन सरवाइव एरोबिक कंडीशन में और यह क्या है यह क्या है फैकल्टेटिव एनेरोब फैकल्टी टीव क्या हुआ नॉर्मल एरो बट कैन सर्वाइव एनेरोबिक कंडीशन कंडीशन ठीक है आंसर हो गया चौथा आंसर हो गया चौथा नो बेटा वाई न्यूक्लियस बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इट इज नॉट क्वेश्चन नंबर फाइव करेक्ट स्टेटमेंट डायनोफ्लैजेट आर यू मोस्टली फ्रेश वाटर गलत डायटम लैक्स सेल सेलवॉल डायटम हैव सेल वॉल। ठीक है इन देर वेजिटेटिव फेज है ना इन देर वेजिटेटिव फेज इन देर वेजिटेटिव फेज दिया हुआ है ठीक है आंसर क्या हो गया तीसरा आंसर क्या हो गया तीसरा ठीक है स्लाइम मोल्ड लैक्स सेलवॉल मोल्ड लैक्स सेलवॉल इन वेजिटेटिव सेल स्टेट ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स मार्क द फीचर विच आर ट्रू फॉर ए सेक्शुअल कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ सैक फंगाई कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ सैक फंग ठीक है ठीक है ठीक है, थीक है? थीक है? थीक है? ना आंसर हो गया तीसरा क्वेश्चन नंबर सेवन मेंबर ऑफ फी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रोडोफाइसे इन हैविंग इन हैविंग फी ओफाइसे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रोडोफाइसे इन हैविंग क्या याद रखिएगा स्टेजेस आर एबसेंट इन इसमें रेड डाल गए ठीक है और एबसेंट इन रेड गए क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ मॉस आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ मॉस सारे कैसे क्या होता है ये इट इज अ ब्राउन एलगे ठीक है इट इज अ ब्राउन एल्गे इट इज अल्गे क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है पाइनस इज मोनोसियस वेर एस साइकस इज डायसियस ठीक है पाइनस इज मोनोसियस वेर एस साइकस इज डायसियस गिम्नोस्पोर्म्स या फिर हैप्लोइड बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आंसर हो गया थ्री बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू आंसर हो गया थ्री क्वेश्चन नंबर टेन ट्यूबर पोटैटो कॉर्म कोलोकेशिया बल्ब अनियन राइजोम जिंजर तो थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन नंबर बर्ड इज एबसेंट एट द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ अच्छा ठीक है इन अनियन एंड गार्लिक फ्लैशी लीफ स्टोर फूड दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर हो गया थ्री लीफ के एक्सेल पे बर्ड होता है जिसको ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं लीफलेट के एक्सेल पे कोई बर्ड नहीं होता लीफलेट के एक्सेल पे कोई बर्ड नहीं होता क्वेश्चन नंबर बारह आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ अ फैमिली इन विच बेलाडोना बिलोंग्स बेलाडोना तुम्हारा सोलानेसी फैमिली में हो गया ठीक है और ये शो करता है एपी पेटलस है ना तो एपी पेटलस से तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो एपी पेटलस से तुम ऑप्शन एलिनेट कर सकते हो तो ये वेगिलरी हो जाएगा तो ये फेवेसी आ गया है ना तो ऑप्शन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर तेरा पैर थिक्स वॉल्ड डेड टिश्यू गलत कॉलेन कामा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ठीक है यहां लैक्स प्रोटोप्लाजम और ये कैनॉट डिवाइड तो आंसर तुम्हारा टू आ गया फोर्टीन हार्ट उड डिफर्स फ्रॉम सैपुड एज द फॉर्मर हार्ट उड वॉटर कंडक्ट नहीं करता सैपोड वाटर कंडक्ट करता है हार्ट उज डार्क इन कलर एंड इज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम सैपूड हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वॉटर पंद्रह द सेल ऑर्गेनिच डबल मेंउंड सेमी ऑटोनोमस एंड साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन इटोकॉन्डिया पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है माइटोकॉन्डिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल आंसर हो गया थ्री सोलह कोर ऑफ सीलियम और था अंदर से उसको हम कहते थे एक्जोनीम उसको हम कहते थे एक्जोनीम द कोर ऑफ सीलियन फ्लैजलाम गुड क्वेश्चन सीलियम और फ्लैजिला में कैसा होता है 9 plus 2 type. Right? radial, doublet, or though singlet in the central sheath. Cytokinesis differs in plant cells and animal cells. In the animal cells, it takes place by furrow formation, and in plant cell, it takes place by cell plate formation or fragmentation. Cell plate formation by fragmentation. Right? सेल प्लेट फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन सॉरी फ्रैग्मो प्लास्ट है सेल प्लेट फॉर्मेशन और फ्रेग्मो प्लास्ट और फ्रैगमो प्लास्ट ठीक है अट्ठारह जाइकोटीन पेरिंग साइनेपिस मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा गलत हो गया ये ठीक है आ, क्रोमोजोम नंबर डबल एस फेस डीएनए डबल क्रोमोजोम नंबर तो सेम रह जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉल डिजॉल्यूशन ऑफ सीनाप्टोनिमल कॉल्स आंसर हो गया सॉरी आंसर हो गया पहला ठीक है क्वेश्चन नंबर उन्नीस गुड क्वेश्चन ठीक है लगा दो मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह क्वेश्चन आता है तो क्या कह रहा है देखो ध्यान से सुनना बेटा फिर गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से समझोगे तभी क्लियर होगा ठीक है क्या इफ अट इन अ फ्लावरिंग प्लांट टेंट ट्वेंटी पीजी ऑफ डीएनए ठीक है मेल गैमिट की बात करें ध्यान से सुनना ये वंस इन फॉर ऑल ये सीख लो कितना ट्वेंटी पी जी डीएनए ठीक बहुत अच्छी बात है क्रोमोजोम कितना है आठ क्रोमोजोम है ठीक है वट वुड हैव बीन द क्रोमोजोम नंबर एंड डीएनए कॉन्टेंट इंडिस माइक्रोस्पोर मदर सेल एट जीवन पूछा एट जीवन पूछा अब ये मेल गैमिट है तो हैप्लॉइड है तो ये प्लॉइडी एन है इसका ठीक है तो क्रोमोजोम नंबर तो सिंपल है क्रोमोजोम नंबर क्या होगा 16 क्योंकि वो डिप्लॉइड है ठीक है अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है कैसा हो जाएगा अमाउंट ऑफ डीएनए मेल के पास बीस पड़ा हुआ तो कितना हो जाएगा मेल के पास बीस पड़ा है तो कितना हो जाएगा मेल गैमेट के पास बीस पड़ा है तो डबल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा चालीस पी जी डीएनए और सोलह क्रोमोसोम आंसर हो गया थ्री मेल गैमेट बोला है बेटा ठीक है मेल गैमिटेंटी बढ़िया क्वेश्चन है देखो साई एस और साई पी निकालना है तुमको ठीक है और हाइयर टू लोअर पानी का फ्लो होगा ठीक है तो साई डब्लू निकालो पहले सेल के लिए कितना हो गया माइनस टू बार दूसरे सेल के लिए कितना हो गया माइनस फोर बार और तीसरे सेल के लिए कितना हो गया माइनस पाँच छः आठ छः है ना माइनस सिक्स बार तो कहाँ से कहाँ जाएगा पानी तो वाटर एंड मूव फ्रॉम ए से बी से सी में हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल हाइयर टू लोअर वाटर पोटेंशियल हाइयर टू लोअर वाटर पोटेंशियल ठीक है तो so, आंसर क्या हुआ ए से बी में गया ठीक है आंसर क्या हो गया पहला पहला होगा ना ए से दोनों में जाएगा बी और सी दोनों में जा सकता है और बी से सी में जाएगा पहला होगा है ना गुड क्वेश्चन ये लगा दो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ट्वेंटी वन मैच द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम वन एंड देयर फंक्शन इन कॉलम टू मैच द एलिमेंट आयरन कैटलेज देखो सिंपल है इंपॉर्टेंट है ठीक है फॉस्फोरस फॉस्फोराइजेशन कैल्शियम सेलवॉल और नाइट्रोजन प्रोटीन तो ए का थ्री पहला ऑप्शन ही हो गया पहला ऑप्शन ही हो गया आंसर हो गया ए आंसर हो गया एवेंटी टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ पी एस टू इन हाइयर प्लांट इज एसोसिएटेड विथ पी एस टू इन हाइयर प्लांट बिल्कुल सही इन सी थ्री प्लांट द कैलवीन साइकिल टेक्स प्लेस इन सेल तो ये गलत हो गया वर्ल्ड है इन सी फोर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन इज ऑबसेंट तो आंसर हो गया तीसरा तीसरासाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैलविन साइकिल ठीक है अठारह एटीपी और बारह एन ए डी पी एच अठारह ATP और बारह एनएडीपी एच ठीक है और अगर सी फोर होता

नंबर ऑफ एन ए डी एच प्लस एस प्लस एफ ए डी एच टू एंड जी टी पी प्रोड्यूस इन खरेप साइकिल इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिडल कों एक मॉलिक्यूल मतलब तीन एन ए डी एच ठीक है एक एफ ए डी एच टू और एक जी टी पी तो आंसर क्या हो गया आंसर क्या हो गया आंसर क्या हो गया, क्या हो गया? एक साइकिल की बात कर रहा है ठीक है सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहा है क्योंकि एक एसिटेल को इंजाइम की बात कर रहा है ट्वेंटी सिक्स साइटोक डिस्कवर्ड बाई ऑटो के अच्छा ए बी ए इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेसेस इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस तो ये फॉल्स हो गया वन लाइसेंट प्रिवेंट प्रीकेशियस ट्रू आंसर हो गया आंसर हो गया पहला 27 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट मेगास्पोरेंजियम नहीं ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है मेगास्पोरेंजियम वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलिन ग्रेन गिव राइज़ टू टू मेल गैमेट जनरेटिव सेल ठीक है ज़िनोगैमी जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलेन ग्रेन्स टू दिकमा ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिशनोगी ठीक है क्लिस्टोगीड तो प्रोड्यूस करेगा ही ना सिर्फ सेल पॉलिनेशन होगा इसमें तो आंसर थ्री हो गया ट्वेंटी एट सेंट्रल सेल एग सेल और ये लग रहा है फिलिफॉर्म अपराटस अपराटस ठीक है ये एंटीपोडल है ये पोलर न्यूक्लियाई है ये सिनरज है ये चलाजा लैंड हो गया और ये माइक्रो एंड हो गया ठीक है आंसर हो गया ए ट्वेंटी नाइन गुड क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ गेमीट ऑफन ऑफ यू ग्लॉसम इज सिक्स थर्टी क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट मियोसाइट मतलब टू एन होता है तो बारह सो साठ मियोसाइट टू एन होगा बारह सो साठ गेमीट है मियोसाइट डिप्लॉयड होगा ठीक है थर्टी इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर

वेयर एन इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर तो कितना है हेट्रोजाइगस में कितना है दो तो दैट इज इक्वल टू 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 पावर टू दैट इज इक्वल टू फोर तो आंसर क्या हो गया पहला ठीक है आंसर हो गया पहला याद रखिएगा ये भी डालो गुड क्वेश्चन में थर्टी टू अ नॉर्मल मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वूमेन हु हैज अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर ठीक है कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दे मेल अ चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड दे मेल चिल्ड्रेन टू बी कलर ब्लाइंड डाल दो इसको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से सुनो देखो अ नॉर्मल मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वूमेन ठीक है तो मैन तो नॉर्मल है एक्स वाई पकड़ ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर जिससे शादी किया तो ऑब्वियसली ये कैरियर होगी ठीक है तो क्या हुआ XCX, XX, XY, और एच कर दो सी के बदले कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो मतलब पूछा कितना मेल कलर ब्लाइंड है प्रोजेनिय होता तो कितना होता प्रोजेनिय होता तो ट्वेंटी फाइव परसेंट मेल का परसेंटेज कितना परसेंट मेल है फिफ्टी परसेंट तो आंसर क्या हो गया Three. आंसर क्या हो गया थ्री ठीक है थर्टी थ्री करेक्ट फिर ये गलत है उल्टा है प्रो प्रो कैरियोटिक होगा यू कैरियोटिक होगा ठीक है ठीक है सिर्फ यहां पे एक डीएनए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए यहां पे तीन तरह का चाहिए गलत गलत ठीक है थर्टी फोर बढ़िया क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए शायद एटीन परसेंट गोएनियन ठीक है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस तो जितना गुआनिन है देखो एडनिन बराबर थायमिन गुआनिन बराबर साइटोसिन तो गुआनिन कितना है अठारह साइटोसिन कितना हो गया अठारह थायमिन और उसका बाद बाकी बाट लो है ना बाकी दोनों का बाट लो तो कितना हो गया बत्तीस बत्तीस अट्ठारह ठीक है थर्टी फाइव सेलेक्ट द इंजाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए चाहिए 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 ए बी डी ई एफ तो बी बी कैसे हो गया ए बी डी में से डी जी और एच आना चाहिए था क्यों आएगा देखो ये दोनों ट्रांसलोकेश तो ये ट्रांसलेशन में यूज होता है ठीक है करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था बट अगर कुछ नहीं मिला तो इसको एक्सेप्ट इसमें यहां पे जी एच और सी दोनों डाल दो ठीक है अब एप्ट ज्यादा लेकिन वैसे तुम्हारा यही है चौथा थर्टी सिक्स विच आर दर एन ए प्लेट्रक्चरिटिक रोल स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल स्ट्रक्चर आर आर एन ए ना स्ट्रक्चरल और कैटेलेटिक रोल दोनों प्ले करते हैं एनसीआरटी लाइन थर्टी सेवन कौन सा वराइटी था, था? हिमगिरी ठीक है पूसा कोमल किसान रेजिस्टेंट था बैक्टीरियल ब्लाइट हुँ? और ब्रासिका हो गया पूसा स्वर्णिम थर्टी एट करेक्ट पेयर करेक्ट पेयर थर्टी एट ठीक है यह साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडोनापोलिस्पोरम में साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है साइक्लोस्पोरिन ये इम्यूनो सप्रेशेंट होता है है ना ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टो सप्रेसेंट। स्टार्टिंग तुम्हारा ईस से बनता है चलिए थर्टी नाइन माइक्रोब्स का एक सवाल आएगा ठीक है रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर एंड चूज द इनकरेक्ट वन एंड चूज द इनकरेक्ट वन ठीक है ठीक है ठीक है गलत है ना आंसर हो गया फोर्थ हमको सब चाहिए कार्बन इनऑर्गेनिक सॉल्ट वाइटमिन अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर सब चाहिए ठीक है सब चाहिए

एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है ठीक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ग्रोथ की बात कर रहा है, फोर्टी टू माइनस माइनस कॉम्पिटिशन प्लस जीरो कमेंशियलिज्म प्लस माइनस पैरा सिटीजम प्लस माइनस पैरा सिटीजन तो क्या है ए कॉम्पिटिशन बी प्लस और सी माइनस आंसर हो गया पहला फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन फूड चेंज सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर तुम्हारा हरवी बोर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर तुम्हारा कार्नी होगा तो इंसेक्टिवरस बर्ड हो सकता है इंसेक्टिवोरस बर्ड हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर है ना इंसेक्टिवरस बर्ड हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर ये तो प्रोड्यूसर है ठीक है ये प्राइमरी कंज्यूमर है ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है ठीक है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है फोर्टी फोर वन विध रिस्पेक्ट टू सीटू कंजर्वेशन मतलब एक्सी की बात करेंगे एक्सी में बोटेिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ठीक है ये सारे एक्सी टू में आता है फोर्टी फाइव इन बिट टू कर वेक्यूलर पॉपुलेशन इंडिया विल गो स्ट्रेट फ्रॉम यूरो फोर कंप्लेन पेट्रोल एंड डीजल और यूरो सिक्स नॉन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी बी एस फोर का क्या था बी एस फोर का एनसीआरटी लाइन लिखा हुआ है बी एस फोर का क्या था बी एस फोर फिफ्टी फॉर पेट्रोल और वो थर्टी फाइव परसेंट से रिड्यूस हो जाएगा तो फिफ्टी और टेन है ना आंसर हो गया टू फोर्टी सिक्स ह्यूमन जाइगोट इज अन जयगोट टोटी पोटेंशियल है टोटी पोटेंसी शो कर रहा है क्योंकि ये हर तरह के सेल को डेवलप कराएगा फोर्टी सेवन पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विओलाई ऑफ लंग इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बिल्कुल डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड वैसे दोनों है वैसे सही लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन क्योंकि एल्विओलाई में पार्शियल प्रेशर 104 होता है ठीक है बट ज्यादा एप्रोप्रिएट तुम्हारा आंसर हो गया अच्छा एल्विलाई लेस देन 3 होगा ना अरे यार थ्री होगा ना एलवीलाई पूछा वन फिफ्टी नाइन होता है इसका फोर्टी हो जाएगा और इसका नाइन्टी फाइव हो जाएगा तो एक सौ चार देख लो कम किसमें होगा कम एक सौ चार हाँ ठीक है फोर्टी एट कॉमन बिटवीन पिजन कैमल ओवी पैरस है ना ओबी पैरस ठीक है अच्छा कैमल भी है ओ शिट एंडोथर्मल है सॉरी कैमल भी है कैमल कब से अंडा देने लगा ऊट का अंडा मस्त रहेगा है ना ये वार्मेड है ना सारे बर्ड्स एंड आर है ब्लडेड ऊट का अंडा और यहाँ हाथी का अंडा था ऊट का भी अंडा

ये भी एनिलिड होगा तो ये तुम्हारा निमाटी का आंसर फोर्थ ठीक है फैसियोला तुम्हारा प्लेटफॉर्म है फिफ्टी इनकरेक्ट टेंथ टर्गम अब याद कर लेना कॉकरोच कॉकरोच पे एक सवाल तो आना ही आना है ठीक है एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है फिफ्टी वन अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेगमेंटल लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड बापरे बाप। एंटीरियर एंड बाप। सेप्टर लास्ट का वैसे तो बट ठीक है यह एक खतरनाक क्वेश्चन हो गया देखो कॉमन सेंस अगर यूज करोगे फेरेंजल सबसे ऊपर होगा ठीक है उसके बाद सेप्टल होगा और उसके बाद इंटेग्यूमेंट्री होगा अगर तुम देखोगे सीक्वेंस के हिसाब से तो ये थ्री हो जाएगा इसका आंसर थ्री होगा क्या फिफ्टी का थ्री होगा नहीं फिफ्टी का थ्री सही तो है फिफ्टी का फिफ्टी का फोर होगा ना सेक्सुअल डायमेंशन शो करता है ना इन सरकाई का ठीक तो फिफ्टी का तो फोर थ्री है इसका थ्री होगा ना चलो इसको डाल दो आउट ऑफ सिलेबस स्टार लगा दो लगा दो आउट ऑफ अर्थवाम पर सवाल नहीं आएगा सॉरी क्या होगा अर्थवॉर्म पे सवाल नहीं आएगा नॉट सिलेबस फिफ्टी टू कैटेलियस आयरन ठीक है न्यूक्लियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस तुम्हारा हेल्प करेगा इसमें और क्लोराइड आयन ठीक है देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस लाइज, ठीक है ठीक है ठीक है, है वैसे तो सलाइवरी माइलेज भी हाइड्रोलिटिक इंजाइम है बट ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो हो जाएगा फोर्थ वैसे तो सलाइवरी माइलेज भी हाइड्रोलिटिक है ना, ब्रेकडाउन तो कर ही रहा है ना फिफ्टी थ्री एडीनोसीन एडीन नहीं एडीनोसीन तो ये न्यूक्लियोसाइड है तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर में राइबो शुगर होगा ना न्यूक्लियोसाइड कौन सा राइबो न्यूक्लियोसाइड है ठीक है फिफ्टी फोर सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एफिथिलियल टिश्यू इन ह्यूमन ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री पॉसिबल जर्म लेडम मिजोडम एंड एंडोडम गलत है पहला ही बेटा है ना एफिथीलियल टिश्यू एपिथिलियल तो एक्टोडम होगा ना ये तो ठीक है ये भी ठीक है इसका एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन बायपोलर फोर्थ होगा आंसर वैसे एपिथिलियल टिश्यू एक्टोडर्मी होना चाहिए था बट ठीक है कोई बात नहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट मोर एप्टेस क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्टी फाइव साइकिल लिवर, अच्छा एक्सेप्ट लिखा है एक्सेप्ट ब्रेन में नहीं होगा ब्रेन में जरूरत नहीं है इसका कोरी साइकिल मतलब लैक्टिक एसिड साइकिल की बात कर रहा है जहां पे एनरोबिक रेस्पिरेशन में होता है तो रेस्पि मसल्स में होगा लिवर में होगा है ना स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के टाइम पे होगा ब्रेन में नहीं होगा फिफ्टी सिक्स अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल जूस एंटेरोक्टिवेशन ऑफ तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनो जैन करता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनो जेन करता है फिफ्टी सेवन नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल आंसर हो गया थ्री फॉर्मेशन ऑफ वॉटर सॉल्यूबल मिसल्स है ना बाइल का फंक्शन नहीं है बाइल क्या करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है फैट ठीक है अब बोलो कॉन्स्टिट्यूंट प्रोवाइड कलर टू फीसिस है ना स्टीरो कोबलिन ठीक है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज भी करता है तो सारा सही है आंसर हो गया थ्री फिफ्टी एट नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल और ठीक है और अगर कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स हो रहा है और हार्डनिंग हो रहा है तो आरटीरियोस्लोरोसिस हार्ट फेलियर एंजाइना हार्ट अटैक बहुत बार बताया हुआ तुमको फिफ्टी नाइन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन एडिशनल ईआरबी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिक्सटी

गुड क्वेश्चन डाल दो सिक्सटी वन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर शिफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट देखो राइट कब होगा पी सी ओ टू ज्यादा पीओ कम पी एच कम टेम्परेचर uh, ज्यादा और डायफॉर्फोग्लेट कम सॉरी ज्यादा है ये भी ज्यादा होगा ठीक है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया या तो ऑक्सीजन होता या पीएच होता ठीक है तो पीएच कम होगा तभी शिफ्ट करेगा नहीं तो पीएच बढ़ेगा तो शिफ्ट टर्ड्स लेफ्ट सिक्सटी टू इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन केसेस टू अवॉइड क्लंपिंग ऑफ ब्लड हैविंग ब्लड ग्रुप ए द डोनर डोनर शुड बी ए ए और ओ हो जाएगा ब्लड ग्रुप है तो ए और ओ वाला डोनर हो जाएगा ओ यूनिवर्सल डोनर होता है ए भी यूनिवर्सल रेसिपियंट होता है ब्लड ग्रुप पे एक कॉन्सेप्ट हम ले लेंगे कॉन्सेप्ट हम करेंगे सिक्सटी थ्री

इसके कारण वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से क्या होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से तुम्हारा क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वैल होगा सिक्सटी फोर न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोड है ना तीन सौ पांच लोड ठीक है मोनोसाइट्स किडनी शेप न्यूक्लियस ठीक है आ, ोफिलोर बेसोफिल इोसिनोफिलोर बेसोफिले एसशेप्ड होगा और इोसिनोफिल बाइलो पहला हो गया सिक्सटी फाइव ब्लड प्रेशर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को कैसा डिफाइन कर सकते हैं ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्जेटेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं सिक्सटी सिक्स रीअब्जॉर्बेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लोमुलर फिल्ट्रेट मेनली टेक्स प्लेस इन द पीसीटी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अमीनो एसिड ग्लूकोज अमीनो एसिड हंड्रेड परसेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिक्सटी सेवन ड्यूरिंग मेच्यूरेशन मेच्यूरेशन में क्या होता है ड्यूरिंग Maturation, सुसु कर रहे हो मिच्यूरेशन में क्या होगा मिच्यूरेशन में तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्पिंचर रिलैक्स करेगा तभी तुम सुसु कर पाओगे लीस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन देखो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया हिपैटिक वेन में प्रेजेंट होगा है ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूरिया क्योंकि यहां पे यूरिया बन रहा है और यहां पे लीस्ट यूरिया क्योंकि यूरिया यहां से निकल गया तो आंसर क्या हो गया गुड क्वेश्चन इसको डालो ठीक है और मैक्सिमम अमोनिया ये होगा हिपैटिक पोर्टल वेन ठीक है हिपैटिक पोर्टल मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन इज पॉसिबल विच आर द फॉलोइंग जॉइंट मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन वन प्लेन मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन देखो तो देखो हिप जॉइंट तो हो नहीं सकता एटलस ऑक्सीड है ये वन प्लेन नहीं है ये भी नहीं हो सकता कार्पेल और मेटा कार्पेल ऑफ थंब सैडल ये भी नहीं हो सकता हिंज से होगा ना ठीक है सेवेंटी मायोसिन ए बैंड मायोसिन तुम्हारा ए बैंड सॉरी सर सॉरी सॉरी सर सॉरी बाय मायोसिन फिलामेंट ओनली सॉरी थ्री होगा थ्री होगा थ्री होगा थ्री होगा डालो इसको गुड क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो ध्यान से, से देखो ठीक है आई बैंड ध्यान से सुनना ठीक है बाइसेक्ट किया जेड लाइन ठीक है उसके बाद ए बैंड ए बैंड है तो ए बैंड में और मायोसिन दोनों दिख रहा है और सिर्फ मायोसिन सिर्फ मायोसिन सिर्फ मायोसिन किसमें दिख रहा है सिर्फ मायोसिन आपका एच जोन में, में, में दिख रहा है तो आंसर तुम्हारा थ्री होगा गुड क्वेश्चन क्लियर है सेवेंटी वन एक्सेस ऑफ थेल्सिटोनिन था एक्सेस होगा तो टेटन... तो क्या होगा ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा या तो ऑफ पैराथॉर्मोन हो या एक्सेस ऑफ थायरोल्सिटोनिन हो ठीक है और ये भी आंसर तुम्हारा थ्री है सेवेंटी टू मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन पी एन एस पी एन एस पी एन एस इलास्टिसिटी है ना नॉट अ कॉमन फीचर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर नर्व इलास्टिक नहीं होते हैं ठीक है ठीक है अब बोलोगे सर रिपेयर भी तो हो सकता है तो याद रखिएगा रिपेयर इज नॉट फाउंड इन सी एन एस पीएनएस में रिपेयर होता है ठीक है पीएनएस में रिपेयर होता है अच्छा इसको लगाओ गुड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था सेवेंटी थ्री रिस्पॉन्सिबल और मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन इन पोटेंशियल एनी ऑर के प्लस पहला सेवेंटी फोर इनकरेक्ट ठीक uh, है पासेस थ्रू मिड ब्रेन ठीक है मेडुला ब्रेन से का पास है ही मिड ब्रेन तुम्हारा सेल्स ऑफ कॉर्पोरा कॉड्रीजीनिया तो इटविन बिटवीन डाइन से फेलन एंड हाइंड ब्रेन ठीक है यहाँ तो दोनों फोरब्रेन की बात कर रहा है ठीक है तो इसमें होता है सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रीजीनिया ठीक है याद रखना मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला यह तुम्हारा बनाता है ब्रेन स्टेम यह तुम्हारा बनाता है ब्रेन स्टेम सेवेंटी फाइव स्क्लेरा ठीक है रेटिना कंजंक्टिवा स्क्लेरा सॉरी कंजंक्टिव कॉर्निया सॉरी क्या कह रहे हैं कॉर्निया ए कॉर्निया बी सेवेंटी सिक्स नॉट अ रोल ऑफ पैराथॉर्मोन नॉट अ रोल ऑफ पैराथॉर्मोन इंक्रीज करेगा ठीक है और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कब बढ़ेगा जब रिओब्जॉर्बन बढ़ेगा सेवेंटी सेवन कितना बार भी कराए कितना बार कर रहे हैं ये इंसुलिन हैज इट एक्शन ऑन ग्लूट फोर एंड लीज टू द अपटेक ऑफ ग्लूकोज मेनली इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज ज्यादातर कहाँ आएगा ज्यादातर अपटेक ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे आएगा ज्यादातर अपटेक ऑफ ग्लूकोज पे आएगा एडिपोसाइड्स में है ना टारगेट सेल जो होता है एडिपोसाइड्स और हिपैटोसाइड्स तो तो हिपैटोसाइड्स भी तो मार्क कर सकते थे सेवेंटी एट सिंगल सेल आर ठीक है बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व बाइनरी ट्रांसवर्सम ठीक है एंड ऑफ जुविनाइल फेज इज डिफाइन इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ वेर एज ऑर्गेनिजम रिमेन इमेच्योर इनडेफिनेटली इनडेफिनेटली क्यों रहेगा फॉल्स द मिओसाइड्स आर डिप्लॉइड सेल्स विच अंडर गो मिओसेस ट्रू तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू सेनाइल फेज के बाद रिपोर्टिव फेज आएगा ना सेवेंटी नाइन एल एच लेवल रिमेन्स लो ड्यूरिंग सेक्रेट फॉर साइकिल ड्यू टू हाई ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रन प्रोजेस्ट्रन ज्यादा होता है तो तुम्हारा क्या हो जाता है कि नेगेटिव फीडबैक मोबाइल पहुंचता है और एल एच का लेवल कम होता है एट्टी सेन uh, तो प्राइमरी तुम्हारा टू एन है आंसर हो गया फोर्टी सिक्स एट्टी वन पार्ट ऑफ एलोपिन टूब इज फनल फनल इन निकलेगा याद रखना होता है साइट ऑफ इम्प्लांट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पिला होता है एम्पिला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एट्टी टू विच एक्सेसरी ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमली टू सीमेन वॉल्यूम सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल का है ना और सबसे कम होता है कूपर और बल्बोचुर एट्टी थ्री हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है है ना एट्टी फोर एक्साम्पल ऑफ होमोलोगी आर ऑल एक्सेप्ट बटरफ्लाई एंड बर्ड ये तुम्हारा एनोलोगो का एग्जाम्पल है ठीक है बाकी सारा होमोलॉगी एट्टी फाइव प्लेसेंटल मेमल डाइवर्सिफाइड प्लेसेंटल मेमल सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई कहाँ करेंगे प्लेसेंटल मेमल डाइवर्सिफाइड इन द सीनोजोइक एरा है ना मीजोजोइक एरा कौन सा था रेप्टाइल्स एट्टी सिक्स हाउ मनी बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज बताओ कोलेरा ये तो वायरस है ठीक है पोलियो वायरस है कॉमन कोल्ड वायरस है मलेरिया प्रोटोजोआ है डेंगू वायरस है मिजिल वायरस है सॉरी हाँ डेंगू आर्बो वायरस मिजिल वायरस और निमोनिया तुम्हारा बैक्टीरिया है तो कोलेरा और निमोनिया दो आंसर हो गया पहला ठीक है एट्टी सेवन इन एच आई वी द वायरस डिस्ट्रॉय हेल्पर टी सेल्स है ना हेल्पर सेल्स को मारता है एटी एट इन एम फॉर ई टी फॉर एम फॉर ई टी ट्रांस छू एक्स क्विकर मेथड है ठीक है ठीक है छ से बत्तीस होगा ना तो आंसर हो गया एट्टी नाइन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी कितनी बार कराया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरिस इनकरेक्ट ठीक है ये ठीक है ये विजिबल लाइट में नहीं होता अल्ट्रावायलेट लाइट में होता है ठीक है ऑरेंज बैंड दिखता है इन ऑफ बैंडीडियम ब्रोमाइड तो बताओ आज का टुडे स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में डाल देना ठीक है और अपने वीक टॉपिक भी ठीक है सारे जो वीक टॉपिक तुम कमेंट सेक्शन में डालो इन सब को हम हम एड्रेस करेंगे संडे गिव अवे होगा हैंडबुक का ठीक है गिव अवे हैंडबुक का होगा और इसका अनाउंसमेंट तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे होगा टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन तो उसी हिसाब से आप कर लीजिए तैयार हो जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन दबा दें ताकि आप कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब को कोई लेक्चर में